नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून इन करा है गेमिंग बहन के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2016 का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का होने वाला है, जो कि चेन्नई के एमएच कमरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैच रिव्यू के बारे में जानते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और मैच रिव्यू में पहले हम दोनों टीमों के की प्लेयर्स को जान लेते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के की प्लेयर्स हो सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और शेन वॉटसन, अंबाती रायडू, केदार यादव, ड्वेन ब्रावो और डुप्लेसिस। रॉयल चैलेंजर की प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले कप्तान विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और युजेंद्र चहल, टीम साउथ की मार्कस स्टोनिस, सिमरन एटमैर और उमेश यादव हो सकते हैं। और प्लेइंग 11 की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में जैसे पिछले साल होता आ रहा है कि ओपनिंग शेन वॉटसन और अंबाती रायडू करते हुए नजर आएंगे, और 3 नंबर पर सुरेश रैना, 4 नंबर पर एम एस धोनी और 5 नंबर पर ड्यूप्लेसिस या सैम बिलिंग्स में से कोई एक, 6 नंबर पर केदार यादव, 7 नंबर पर ड्वेन ब्रावो, 8 नंबर पर रविंद्र जडेजा, 9 नंबर पर हरभजन सिंह, 10 नंबर पर मोहित शर्मा, 11 नंबर पर दीपक चहर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की अगर प्लेइंग 11 को देखा जाए तो ओपनिंग पे विकेट कीपर बैट्समैन पार्थिव पटेल और कप्तान विराट कोहली होंगे, और 3 नंबर पर एबी डिविलियर्स, 4 नंबर पर सिमरन एटमायर, 5 नंबर पर हिम्मत सिंह, 6 नंबर पर शिवम दुबे, 7 नंबर पर मार्कस स्टोनिस। और लोअर ऑर्डर में देखा जाए तो 8 नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर, 9 नंबर पर टीम साउथी, 10 नंबर पर उमेश यादव, 11 नंबर पर युजेंद्र चहल। और अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड देखा जाए तो इन दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ टोटल 23 मैच खेले हैं, जिसमें सीएसके 15 बार जीती और 7 बार आरसीबी, और एक मैच नॉन रिजल्ट रहा था। और चेन्नई में देखा जाए तो 7 मैच हुए हैं जिसमें सीएसके 6 बार जीती है और आरसीबी 1 बार। सीएसके का पिछले साल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो टोटल 16 मैच खेले थे, जिसमें कि उन्होंने 11 में जीत मिली और 5 में हार। बेंगलोर का देखा जाए तो पिछले साल 14 मैच खेले थे, जिसमें 6 में जीत मिली और 8 में हार। दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचों में सीएसके अभी भी 2 गुना आरसीबी से आगे ही है। दोनों टीमों के टीम चांस की बात करें तो अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से विराट कोहली या एबी डिविलियर्स चल गए तो आरसीबी को हारने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर सीएसके की तरफ से देखा जाए तो सुरेश रैना या एम एस धोनी में से कोई भी बैट्समैन अगर चल गया तो सीएसके को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये मैच को देखा जाए तो यह पूरा मैच इंडिविजुअली डिपेंडेंट रहने वाला है। जिस टीम के भी प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस करा तो वह टीम यह मैच जीत सकती है, और सीएसके के यह मैच जीतने के ज़्यादा चांसेस लगते हैं रिकॉर्ड के हिसाब से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।